पंचायत मानपुर थाना इंदवार अंतर्गत ग्राम डीहिया निवासी नाबालिग आदिवासी लड़की राजकुमारी कोल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत के किनारे पाया गया। वहीं मृतिका के परिजनों ने बताया कि राजकुमारी अपने घर में अपनी नानी के यहाँ मेहमान नवाजी में गई हुई थी, लेकिन मृतिका की नानी ने बताया कि हमारे घर में बारिश होने के दौरान मृतिका अपने किसी काम से घर के बाहर चली गई थी और वो खेत में कैसे पहुंची ये किसी को नहीं मालूम। वहीं पुलिस ने शव का पीएम कार्यवाही कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए मृतिका के परिजनों को सौंप दिया है। गौरतलब है कि नाबालिग लड़की की अचानक मौत किन परिस्थितियों में हुई और वो खेत में कैसे पहुंची और उसकी उसके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये पूरी तरह जांच का मामला है। एक घटना हुए के बाद यहाँ पोस्टमार्टम में लाए थे, चाहे 4 बजे गई, 6 बजे से यहाँ नहीं आ पाई। नानी के यहाँ गई, नानी के यहाँ से वो पन्नी नानी ने दिए है, नानी पन्नी दे के वो बोली कि मैं जा रहा हूँ नानी, कहीं बेटा ना जा, यहीं रुक, कहीं नहीं मोहिनी भोले जाना, इतनी सी बात है जानकारी वहाँ से दे कर दी। चली अब बीच में तो बोली नहीं मैं वहाँ ढोल लिया हूँ, ढोल लेके मेरे को जाना है। तो हम लोग नहीं वहाँ खाना खाते थे, तो फिर वो मेरी माँ ने वहाँ पानी दिया, तो किलो बेटा पानी बरकता था, तो पानी बरकते में वो यहाँ से पानी लेके चली गई और कुछ 1-2 किलोमीटर गई है गांव के बाहर। इसके बाद कोई हमको मालूम नहीं कि क्या हो गया। हम 8:30 बजे सुबह जानकारी हमको मिली, उसकी माँ आई है तब जानकारी मिली है, तो हमने फिर डायरेक्ट सर 100 नंबर को फ़ोन लगा। से हालत में पाई गई है कि मृत मिली है, हमारी भतीजी वहाँ रास्ता में पाई गई है, वहाँ मेड़ था, मेड़ में से होते घर गई थी। लड़की राजकुमारी कोल उम्र 16 वर्ष निवासी ग्राम डेहिया चौकी अमरपुर थाना इंदवार से मेरे पास मृत अवस्था में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि वो खेत की मेड़ में मृत अवस्था में मिली गई थी, जिसका कि आज पीएम डेरे द्वारा जिला चिकित्सालय उमरिया में किया गया है और इसके जितने भी हैं विसरा प्रिजर्व किए गए हैं और रिपोर्ट जो है वो उसके आने के बाद। हाँ, अभी कल की घटना है और वहाँ पे अभी मर्ग कायम कर लिया गया है, उसका पोस्टमार्टम के बाद जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएंगी उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदे की खास रिपोर्ट।